अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। यहाँ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपसे जो उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर थाना कुतुब शेर के क्षेत्र हबीबगढ़ में जो एक लाश मिली है एक लड़के की, फारूक पुत्र रमजान नीस के बारे में हमने आपको बताया था, ये खबर हम आपको दिखाई थी। इसी विषय में जो वार्ड 67 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIIM के पार्षद के प्रत्याशी है दिलशाद मलिक साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने इस मौके पर इस घटना के बारे में क्या कहा है, क्या अधिकारियों से उनसे बात हुई है, यही हम आपको दिखाएंगे। नाम बताइए। मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद भाई, जो यहाँ पर घटना हुई है, एसपी सिटी साहब भी आए थे और भी अधिकारी आए थे, जी जी, क्या बताया भाई? हमने उनसे मांग करी कि निष्पक्ष जाँच हो यहाँ पे और जो भी है दोषियों से बख्शा नहीं जाए। बहुत बुरी घटना है, बहुत बुरी। बहुत अच्छा लड़का था और आते जाते दुआ सलाम थी हमारे, मिलता था। बहुत बुरा हुआ ये, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 100% सच सामने 24 घंटे के अंदर कर देंगे। एसपी सिटी ने भी और जो यहाँ के अपने दरोगा शर्मा जी, उन्होंने भी जितनी भी टीम थी सबसे बात हुई इस बारे में। वैसे आपको क्या महसूस हो रहा है कि इस घटना के पीछे क्या राज है? भी देखो, हो सकता है ये कह रहे किसी से इनका झगड़ा, वो तो इनकी अपनी पर्सनल बात है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा था। मुझे तो लगता नहीं उसका किसी से झगड़ा होगा, क्योंकि हमारी तो रोज़ मुलाकात होती थी आते जाते। जैसे उसके परिजन बता रहे थे अभी कि 9 महीने पहले किसी से झगड़ा हुआ था। देखो ऐसा नहीं है, झगड़े का मसला वो परिवार वाले जाने, उस मसले में हम कुछ नहीं। ऐसे किसी का महल्ले में कोई झगड़ा हो जाए, उस पर मर्डर हो जाए, वो एक जांच का विषय, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो एक पुलिस अपनी जांच करेगी। जो भी है उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया, नहीं होगा फिर हम खड़े जहाँ भी जाएंगे तैयार हैं। धरना प्रदर्शन, कहीं चौकी घेरना हो, एसपी सिटी घेराव कर, पूरे शहर को चीज़ जाम करना पड़े, तैयार करेगा, क्योंकि हमें जाँच चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष। बस